ऑपरेटिंग आई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल JS ट्यूटोरियल में। आज मैं आपके लिए एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9 लेकर आया हूँ। देखिए, इसमें लिखा है ABCD इज ए ट्रेपीजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC। जो AB लाइन है वो DC के पैरेलल है। एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। इसके जो डायगोनल्स हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में O पॉइंट पे। दिस इज पॉइंट O। शो दैट AO रेशियो ऑफ AO टू BO इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ CO टू DO। हमें ये वी हैव टू प्रूव इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, डॉटेड लाइन, ऐसे डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे। एंड इसको हम यहाँ पे ई पॉइंट ई नाम देते हैं इस पॉइंट को। एंड दैट लाइन इज टचिंग द साइड AD एट ई पॉइंट एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू द AB। नाउ कंस्ट्रक्ट, सबसे पहले हम लिखेंगे कंस्ट्रक्ट ए लाइन OE पैरेलल टू AB। हमने एक लाइन ड्रॉ की OE जो AB के बिल्कुल पैरेलल है। सो अब ये हम एक ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ABD। हमें सिर्फ इस ट्रायंगल को कंसीडर करना है, बाकी सारी फिगर को भूल जाइए आप। ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD, नाउ अकॉर्डिंग टू एज पर थ्योरम 6.1, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल देन दैट लाइन इज डिवाइडिंग द अदर टू साइड्स इन द सेम इक्वल रेशियो। अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो ये लाइन हमारे ट्रायंगल के इस ट्रायंगल ABD के दो साइडों को इक्वल रेशियोस में डिवाइड कर रही है। सो रेशियो ऑफ AE टू ED इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ BO टू OD। रेशियो ऑफ AE टू ED इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ BO टू OD। सो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। नाउ इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल, अब हमें ये ट्रायंगल लेना है ओनली ADC। नाउ OE इज पैरेलल टू AB, OE इज पैरेलल टू ABG हमें दिया हुआ है एंड AB इज पैरेलल टू DC, ये हमें पहले दिया हुआ है क्वेश्चन में। AB इज पैरेलल टू DC। अगर OE लाइन AB के पैरेलल है तो AB है वो DC के पैरेलल है, तो ऑटोमेटिकली OE इज पैरेलल टू DC। देयरफॉर OE इज पैरेलल टू DC। नाउ इन ट्रायंगल ADC, इफ ए लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड देन द रेशियो ऑफ टू साइड्स देन दिस लाइन इज डिवाइडिंग द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम इक्वल रेशियो। देयरफॉर रेशियो ऑफ AE टू ED इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ AO एंड OC। रेशियो ऑफ AE टू ED इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ AO एंड OC। हमें अब ये ट्रायंगल लिया है। नाउ दिस इज सेकंड इक्वेशन और हमें यह लिखना है एज पर थ्योरम 6.1। ओके, अब हमें फर्स्ट इक्वेशन मिली है और सेकंड इक्वेशन मिली है। इसमें AE टू ED इज इक्वल टू BO टू OD। सेकंड इक्वेशन में AE टू ED इज इक्वल टू AO पॉन OC। सो इसमें कॉमन क्या आ गया, AE टू ED। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड BO टू OD इज इक्वल टू दी AO पॉन OC। सो इसमें हम ऐसे भी लिख सकते हैं AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन OD। सो हम इसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं, BO को इधर ले गए और OC को इधर ट्रांसफर कर सकते हैं। AO अपॉन BO इज इक्वल टू OC अपॉन OD। सो हैंस इट इज
प्रूव्ड, जो हमें पूछा गया था एओ टू बीओ रेशियो ऑफ एओ टू बीओ इज इक्वल टू सीओ टू डीओ, ये हमने एओ टू बीओ इज इक्वल टू द ओसी टू ओडी, हैंस इट इज प्रूव्ड। थैंक यू।